सभी नमस्कार, मैं डी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो मित्रों, यहां पर आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, आपको ये न्यूज़ देने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों, मैंने देखा है कि आप वीडियो लाइक नहीं करते, बस देख के निकल जाते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत करता हूं, सेटअप लगाता हूं, बनाता हूं, रिकॉर्डिंग करता हूं, एडिटिंग करता हूं, पता नहीं क्या क्या करता हूं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। आपको लाइक करने में कितनी देर लगी? एक सेकंड। मेरे को वीडियो बनाने में लगते हैं 4 घंटे। तो फ्रेंड्स, आप इतनी मेहनत का एक लाइक तो बनता है। और मैं खबर भी एकदम आपको ऑफिशियल देता हूँ, जैसे कि अभी ये खबर आने वाली जो मैं दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। फ्रेंड्स, खबर क्या है कि देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर वर्ष जीवित प्रमाण पत्र जमा ही करना होता है। अब जमा करना होता है तो उसमें क्या होता है, कई पेंशनर्स हैं जो बुज़ुर्ग हैं बहुत ही ज़्यादा, तो क्या है कि वो माइंड से स्लिप भी हो जाती हैं बातें कि किस तारीख को जमा करना था, कब जमा करना था, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि करने पड़ते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर क्या है, उसमें भी परेशानी आ जाती है, तो लेट भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेंशन वहाँ पर स्टॉप कर दी जाती है। स्टॉप जो पेंशन है वहाँ पर आगे दी नहीं जाती है। अभी स्पर्श का मामला चल रहा है, इसलिए पेंशन बंद नहीं की गई है, क्योंकि माइग्रेशन चल रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है, अभी उसको पासवर्ड आईडी लॉगिन करना आता है, किसी को नहीं आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पेंशन रुकी नहीं है। लेकिन इस वर्ष यहाँ पर कोई भी आपको ढिलाई नहीं दी जाएगी, आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर समय डिले नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेकिन आदेश आ गया है, कर्नाटक कोर्ट ने यहाँ पर एकदम स्पष्ट कह दिया है कि देखिए, आप लोग जीवित प्रमाण पत्र जो बैंक में जमा करने के लिए कर्मचारी आ रहे हैं, ऑनलाइन की तो बात अलग है स्पर्श वालों की, लेकिन जो भी जीवित प्रमाण पत्र जमा करने आ रहे हैं वो कर्मचारी किसी भी विभाग से हो सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग बिना उनके घर जाए, बिना जानकारी लिए उनकी अगर आप पेंशन बंद कर देते हो, तो आपको यहाँ पर उनकी पेंशन 6% ब्याज की दर से आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सख्त आदेश है बैंक को कि आप लोग अगर पेंशनर्स किसी भी कारण से यहाँ पर जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पा रहा है, तो आप उनके घर जाइए, घर जाने के बाद चेक करिए कि ये मामला क्या है, किस वजह से उन्होंने जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है, और उसको जानने के बाद ही कोई एक्शन लीजिए। तो ये सख्त आदेश हैं कर्नाटक कोर्ट के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलती है हमारी अग्निवीर के लिए यहाँ पर न कोई पेंशन है, न कोई यहाँ पर आगे सिक्योरिटी है। 4 साल बाद सबको घर भेज दिया जाएगा, मर जाते ही तो कोई बात नहीं है, 2 सिपाही प्राइवेट एम्बुलेंस में लाके उनको छोड़ जाएंगे। परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सम्मान नहीं मिलेगी, कोई सलामी नहीं मिलेगी, कोई इज्जत नहीं मिलेगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई रेपुटेशन नहीं मिलेगी। क्या फ्रेंड्स ये उचित बात है? चलिए मैं सरकार से बात करता हूँ डायरेक्ट, क्या ये आपने माननीय नेता गढ़ो, क्या आपने यह बिल्कुल सत्य कहा है, मतलब सही किया है, और आपने जो भी यहाँ पर आपने जो करने जा रहे हो, क्या वो सब कुछ सही हो रहा है? कभी अंदर बैठ के झांक के सोचा करो कि क्या था और क्या हो गया, ऐसा आखिर क्यों? एक सांसद एमएलए एमपी केवल एक दिन के लिए भी अगर एमएलए एमपी होता है, तो आपको पता है जीवन भर उसको पेंशन दी जाती है, हैं? एमएलए को भी 5 साल दी जाती हैं, और जो देश की सेवा कर रहा है उसको 4 साल मिल रही हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 5,344 यहाँ पर एमएलए एमपीज हैं, और उनके ऊपर जो खर्चा होता है साल में, फ्रेंड्स लगभग मान लीजिए कि आप देखिए, जो एमपी हैं उनके ऊपर यहाँ पर 250 करोड़ रुपये का खर्चा होता है, और यहाँ पर 575 करोड़ रुपए का यहाँ पर एमएलए के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कम से कम लाखों रुपए में 2.7 लाख का एवरेज निकल के आ रहा है कि इनको यहाँ पर इतनी सैलरी दी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5,000 रुपये तो फ़ोन कॉल के लिए दिए जाते हैं, यहाँ पर 400 रुपए का अनलिमिटेड फ्री वाउचर कॉल मिलता है।
फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 2000 रुपये इनको डेली मिलते हैं। किस बात के, बस खर्चा करो। मित्रों, यहाँ पर ये आम जनता का पैसा सरकार पर ऐसे बहा जाता है जैसे कि कोई समरसेबल चला के पानी छोड़ देता है। मित्रों, यहाँ पर मैं किसी पार्टी, किसी भी नेता का नाम नहीं ले रहा, मैं समूचे समाज का एक आपको खंडन कर रहा हूँ, उसके बारे में उजागर कर रहा हूँ। एक दिन का एमएलए एमपी जीवन पर पेंशन लेता है, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं इनके पास, अरबों। आपने कोई एमएलए एमपी गरीब देखा है? नहीं देखा है। और एक आम जनता, एक सैनिक, एक किसान जो जीवन भर पैसा कमाता है, खून पसीना बहाता है, वो कभी दोनों टाइम सब्जी से खाना भी नहीं खा सकता, रोटी भी नहीं खा सकता, खुश होकर घर बैठ गए, जबकि वो 10 भैंस रख रहा है और उस पर 20 बीघा खेत है। 20 बीघा खेत, 100 बीघा खेत को जोतने वाला व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता जितना एक एमएलए एमपी के पास पैसा होता है मात्र 5 साल में। वो जीवन भर कमाएगा। एक व्यक्ति जो सरकारी नौकर है, 60 साल नौकरी करेगा, उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना एक एमएलए और एमपी के पास पैसा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी बहुत ही दुखद बात है और इन पर जरूर ही एक्शन होना चाहिए और सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि यहाँ पर एक छोटा सा समूह, एक छोटा सा वर्ग इतना पैसे वाला है और एक इतना बड़ा वर्ग जो कि जीवन भर मेहनत करता है वो गरीब का गरीब ही रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ही शोचनीय, चिंतनीय विषय है। आप इस पर ज़रूर ही अपना कमेंट करें और यहाँ पर कमेंट के माध्यम से सरकार की आँखों को खोलें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि ये वीडियो जानी चाहिए जहाँ तक इसको जाना है। SBI ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई UPI आप लोग कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है, यहाँ पर आप न करें, आपका पैसा फंस सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। तो मिलता हूँ आपसे किन्हीं और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।